Hello friends, how are you? This side is Professor Chirag and today we have a new video for you. In this video, we are going to discuss about the Trademark Act 1999. Abhi is act ke liye apan kya discuss karne wale? Dekhi, baat samjhega. Trademark Act 1999, agar main CS fraternity ke liye bolu, to kafi zyada light kar diya in logon ne aur bahut kam cheeze rehne di hai iske andar. So main bhi usi ke liye dekhte hue aapke liye sabse important part jo hai wo hi leke aaya hu. So my recommendation is कि इस चीज के अंदर मैं क्या क्या कवर कर रहा हूं कि भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, साथ साथ में आपको मैं एक और क्या बताने वाला हूं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क कैसे कैसे होते हैं और लास्ट में मैं इसको एंड करूंगा नाइस क्लासिफिकेशन के साथ. तो ये तीन चीजें इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगी. एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, चाहे आप सीए के एग्जाम में जा रहे हैं चाहे आप सीएस के एग्जाम में जा रहे हैं. सो बिफोर आई गो अहेड अबाउट व्हाट इज ट्रेडमार्क, जरूरी है सबसे पहले समझना है कि ट्रेडमार्क आ कहां से रहा है. तो भाई फॉर दैट लेट्स गो अहेड. आप बात कर रहे थे जस्ट अभी कि भाई ट्रेडमार्क क्या होता है. मैंने कहा ट्रेडमार्क से पहले बात समझो यार कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है. आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अबाउट ट्रेडमार्क, तो भाई ट्रेडमार्क आ कहां से रहा है. तो हमने बोला कि ट्रेडमार्क आता है फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. हाँ जी, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है. व्हेन यू से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, याद रहे इंटेलेक्चुअल का मतलब, जब आप वर्ड यूज कर रहे हो इंटेलेक्चुअल, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द माइंड, समथिंग आउट ऑफ द माइंड. इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने दिमाग से पहली बार कोई ऐसी चीज की है जो क्रिएटिव है, इन्वेंटिव है, ऐसी चीजें जो आज तक किसी ने नहीं की है. भाई अगर आपने ऐसा काम किया तो प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए. क्यों, अगर आपको आज प्रोटेक्शन नहीं मिला आप नेक्स्ट टाइम कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं करने वाले हो, दिस इज फॉर श्योर. सो इंटेलेक्चुअल का मतलब आउट ऑफ द माइंड. नेक्स्ट वर्ड जब मैं बोलूं प्रॉपर्टी, ज्यादा टाइम ज्यादा मेहनत लगानी नहीं है. प्रॉपर्टी का मतलब है भाई आपके दिमाग से आपने कुछ बनाया है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ राइट्स. बंडल ऑफ राइट्स मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने दिमाग से कोई चीज क्रिएटिव बनाई है, अगर आपने दिमाग से कोई ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, इसके ऊपर आपको क्या मिलने चाहिए, उसके लिए बंडल ऑफ राइट्स. राइट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूं, मैं इस काम को नई तरीके से कर सकता हूं और इस काम को जेब में रख सकता हूं, नहीं देना मुझे किसी और को, मेरा राइट है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इसको. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करते हैं, अगर आपने कुछ भी अपने दिमाग से क्रिएटिव काम किया है, अगर आपने कुछ भी अपने दिमाग से इन्वेंटिव काम किया है, इसके ऊपर आपको क्या करेंगे, बंडल ऑफ राइट्स देके जाएंगे. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर बहुत तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं. भाई हम बात करने वाले हैं आज ट्रेडमार्क के ऊपर. नाउ आर टॉपिक इज अबाउट ट्रेडमार्क. तो जब आप बोलते हो ट्रेडमार्क, तो भाई ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है. भाई देखिए नाम में लिखा है ट्रेड मार्क, सब साथ में हो? अब देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क की. यार नॉर्मल सी बात है, ऐसी चीज जो आपको ट्रेड करते वक्त एक मार्क क्रिएट करके दे दे, जो आपके ब्रांड को किसी और के ब्रांड से डिस्टिंग्विश करवा दे. अगर आज मैं बात कर रहा हूं, आप लोग मार्केट में मूव कर रहे हो, ज्यादा देर की मेहनत नहीं, पर अगर आपको रस्ते में एक ऐसा मार्क देखने को मिलता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि भाई ऐसा मार्क, भाई मेरे ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा ज्यादा आर्टिस्टिक हूं मैं, पर अगर ऐसा मार्क देखने को मिला दिमाग में क्या आता है, सीधा नाइकी, सोचने की जरूरत नहीं. अच्छा ऐसा मार्क देखने को मिल जाए तो हां जी मार्क देखते ही क्लियर है, प्लीज ड्राइंग पर मत जाना, ब्रांड वालों नाराज मत होना. ये जो मार्क है देखते ही आपने क्या कह दिया, भाई सीधी बात है मर्सिडीज का है. मर्सिडीज का है क्या, नहीं ना, पता है आपको ऑलरेडी, बीएमडब्ल्यू का है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अगर मैंने बोला ना मर्सिडीज तो अभी आपके दिमाग में आ गया क्या बोल रहा है यार, बीएमडब्ल्यू का मार्क है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये आपको एक डिस्टिंक्शन देता है, ये मार्केट में आपको रिकॉग्निशन देता है कि यार ये अलग चीज है वो अलग चीज है. आज आपको मर्सिडीज का लोगो देखते ही पता होता है मर्सिडीज क्या है. अच्छा तो ट्रेडमार्क का मतलब क्या, खाली डिजाइन, या ट्रेडमार्क खाली डिजाइन नहीं है, ट्रेडमार्क एक डिजाइन हो सकता है, एक लोगो हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है. जैसे कि आप लोग बात करते हो फिलिप्स इनोवेशन एंड यू, भाई उसने अपना ट्रेडमार्क बना दिया है कि भाई अगर फिलिप्स की बात आएगी तो इनोवेशन एंड यू आने वाला है, एकदम ठीक है. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई शेप, कोई लोगो, कोई डिजाइन जो आपके ब्रांड को अलग करती है किसी और के ब्रांड से, उसको आप बुलाते हो ट्रेडमार्क.
यहां तक सब साथ है मेरे हिसाब से. इसमें आपको एक जेन्युइन छोटी सी रीडिंग करवा देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. मैंने आपके लिए कुछ पीपीटीज बनाई है, इसका डेटा मैंने आपके लिंक में दे देना है वीडियो के, डाउनलोड कर लीजिए, आप साथ में इस मटेरियल को रेफर कर सकते हैं. सो भाई, ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, इज अ फ्रेज, सिंबल और डिजाइन दैट डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग कर देती है. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन द मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव. अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप दिमाग लगाइएगा, इसने बोला द मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव. भाई आज मैंने सोचा है कि अपना ब्रांड बनाना है, अपना ट्रेडमार्क बनाना है, अपना अलग चीज होना चाहिए, अब अपना टाइम आएगा. तो भाई मैंने एक नया मार्क बनाया है, मार्क में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ये बनाया और इसके अंदर कलर डाल दिया ऐसा थोड़ा सा. मैंने कहा यार आपका मार्क अलग है, मेरा तो कलर ही अलग है. नाइकी वाले का तो ब्लैक कलर का मार्क था, मेरा भाई ऑरेंजिश ग्रीन कलर का मार्क है. क्या आप बताइए मुझे, क्या इस मार्क पे मेरे को ट्रेडमार्क मिल सकता है? द आंसर टू दैट इज प्रीटी मच नो. क्यों भाई, जो मार्क मैंने बनाया है उसमें छोटा मोटा कलर इधर उधर कर देना, या फिर एक आध डंडी चेंज कर देना, या फिर हल्का सा शेप को चेंज कर देना, वुडेंट मेक इट अ डिफरेंट मार्क. तो अगर आप ट्रेडमार्क बना रहे हैं तो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि ये एक डिस्टिंक्टिव मार्क होगा, ये एक डिस्टिंक्टिव मार्क होगा, एंड दूसरी बात ये एक यूनिक मार्क होगा. यहां तक सब साथ में, आई होप आप सब लोग इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं. अब इधर के बाद अपन नेक्स्ट चीज पे जा रहे हैं, वापस से पावर पॉइंट्स पे जाते हैं. भाई तो क्वालिफाई फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन द मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव. इसके आगे इसने क्या बोला, राइट्स इन ट्रेडमार्क आर अक्वायर्ड बाय यूज, रजिस्ट्रेशन विद द ट्रेडमार्क ऑफिस विद द ट्रेडमार्क एक्ट अलाउज यू टू इजीली यूज इट. अब बात समझनी बेटा, मैंने आज एक ब्रांड बनाया है, भाई ब्रांड का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है. अब एक्स वाई जेड के लिए मैंने एक लोगो डिजाइन करवाया. भाई ये लोगो नया है, पहली बार है, बात समझनी है. मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया ही नहीं है, मैं तो बस इसको बनवाया, लगाया, चलाने लग गया. इंशाल्लाह क्या काम चला भाई, पहले साल में लोग दीवाने हो गए और एक्स वाई जेड मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है मेरी इंडस्ट्री में और बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है. अब किसी ने सिमिलर ब्रांड बनाया एक्स वाई जेड और जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अप्लाई कर दिया. यार मैंने इसको यूज किया पर अभी तक मैंने रजिस्टर नहीं किया था इसको. बात क्या चल रही है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट पे एकदम ध्यान देना, बात नहीं चुके अपनी. ये प्रायर यूज था, मैंने इसको पहले यूज किया पर किसी और ने एक्स वाई जेड नाम रख के इसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया. सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए कि नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई. यही एक्ट ने क्लियर किया, ट्रेडमार्क एक्ट बोला कि मैं कौन होता हूं जो आपको बोलेगा कि आप ओनर है, भाई जिसने पहले इसे बनाया, जिसने पहले इसे यूज किया. अब आप कहोगे कि सर यूज कैसे बता दोगे यार, अगला बंदा तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. क्या इस लोगों को बनाते वक्त किसी ने आपको पहले कोरल फाइल दी होगी इसकी? ये भी एक बहुत अच्छा एविडेंस होता है बताने के लिए कि पहले हमने बनाया. अरे यार इस लोगों को लगा के मैंने कोई तो रिसीट बनाई होगी, ये भी एक बहुत अच्छा एविडेंस है. अरे इस लोगों को मैंने कभी तो डिस्प्ले किया होगा कहीं पे, जिसका कोई प्रूफ है, कोई भी प्रूफ जो जस्टिफाई कर पाए कि आपने इस लोगों को पहले यूज किया, ये आपको प्रोटेक्शन दिलवाएगा. अगर ये आपको प्रोटेक्शन दिलवा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इट इज सेड कि यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है समझना है, रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है पर रजिस्ट्रेशन आपके राइट्स को इजीली स्मूथली फॉलो करवा देता है. मतलब कल को अगर कोई तकलीफ आई, आप लोग इजीली रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हेल्प से, या फिर मैं कहूं रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रेशन की वजह से अपने राइट्स को एनफोर्स कर पाओगे. रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे दिक्कत आएगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपका ट्रेडमार्क कॉपी नहीं हो जाएगा. सिर्फ यह कहना था कि इट इज यूज विच मैटर्स, नॉट द रजिस्ट्रेशन. चलिए अब आते हैं वापस से आपके भाई नेक्स्ट टॉपिक पर. अब बेटा बात होगी ट्रेडमार्क की बहुत, पर अगर एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना है तो पहले समझना पड़ेगा कितने तरीके के ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने तरीके के क्लासिफिकेशन है ट्रेडमार्क के अंदर. हमने बोला आपके बिजनेस के ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से पहले यह समझ दीजिए कि ट्रेडमार्क को 5 कैटेगरीज में आप लोग बांट सकते हैं, एकदम ठीक है. अब जल्दी से क्विकली बढ़ेंगे आगे. जब आप बात करते हैं ट्रेडमार्क की, अब देखिए
ट्रेडमार्क में सबसे पहले हमने कहा यार जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ना उसको आप बोलते हो जेनेरिक। अब जेनेरिक का मतलब क्या होता है समझना है। फॉर एन एग्जाम्पल यार आप लोगों ने आज तक एक नाम सुना होगा टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट, अरे यार एक बात समझो टाटा को हटा दो पर ये जो वर्ड आपने सॉल्ट यूज किया, अरे यार सॉल्ट तो एक बहुत जेनेरिक वर्ड है। कल निर्मा सॉल्ट भी आ सकता है, कल बजाज का सॉल्ट भी आ सकता है, कल ह्यूंडई का सॉल्ट भी आ सकता है, कोई रोक सकता है कि इसको? तो हमने क्या बोला कि भाई जो वर्ड सॉल्ट है ना ये बड़ा जेनेरिक वर्ड है जो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ट्रेडमार्क का होता है जेनेरिक वर्ड। जेनेरिक का मतलब क्या, विच कैन बी यूज बाय ऑल, सॉल्ट शुगर ऑयल। अरे यार कोई खाने का ऑयल बना रहा है तो वहां पे कुछ और थोड़ी लिख देगा, ऑयल तो ऑयल ही लिखने वाला है। सो याद रहे इसकी कोई खासी वैल्यू नहीं है भाई, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि टाटा ने पहले सॉल्ट वर्ड यूज करना चालू किया तो अब निर्मा सॉल्ट कैसे लगा रहा है, आप कुछ और लिखो, अरे सॉल्ट ही लिखेगा, खारा पानी थोड़ी लिखने वाला है वहां पर। तो ये था आपका सबसे पहला पार्ट जिसको आप कहते हो जेनेरिक ट्रेडमार्क, एकदम ठीक है। अब आते हैं बेटा दूसरे पे, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। बेटा डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, बेटा डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडमार्क अपने नाम में ही बता दे कि मैं किस काम के लिए आया हूं। डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क्स आर ट्रेडमार्क्स विच जस्टिफाई बाय देयर नेम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रांड। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ले लेते भाई, फेयर एंड लवली। हाँ जी भाई, फेयर एंड लवली, इसको देख के खाने का मूड होता है नहीं भाई, नाम से ही पता पड़ रहा है फेयर एंड लवली। अच्छा इसको देख के क्या करोगे तुम, बाल जमाओगे फेयर एंड लवली से? नहीं ना, नाम से पता पड़ रहा है फेयर एंड लवली, लगाओगे तो लवली हो जाओगे। अब दिमाग लगाओ, लड़के कभी लवली बनते क्या? लड़के कहेंगे भाई हमने बनना है हैंडसम, भाई को चाहिए इज्जत, ठीक है। तो भाई को जब इज्जत चाहिए ना तो भाई को लवली नहीं बनना, भाई को बनना है हैंडसम। तो एक और नया प्रोडक्ट आया था क्या इमामी का, फेयर एंड हैंडसम। अब बेटा एक बात बताओ, इन लोगों ने कभी अपनी एड में चीख चीख के बोला क्या कि ये लड़की लगाए ये लड़का लगाए? भाई नाम ने बता दिया, फेयर एंड लवली माने लड़की, फेयर एंड हैंडसम मतलब लड़का। क्या इनके नाम ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनका काम क्या है? बेटा इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क। आ जाइए तीसरा है सजेस्टिव। बेटा देखो डिस्क्रिप्टिव और सजेस्टिव में बहुत पंगा होता है, आज तक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्या है सजेस्टिव क्या है, एक झटके में खत्म किए देते हैं इसको। बेटा डिस्क्रिप्टिव अगर आपका क्लियर है तो समझो, जब आप बात करते हो डिस्क्रिप्टिव की तो कहता है ऐसा ब्रांड जो अपना काम अपने नाम से डिस्क्राइब करता है उसको आप कहते हो डिस्क्रिप्टिव, और ऐसा ब्रांड जो अपने नाम से खुद का काम खाली सजेस्ट करता है। बेटा देखो सजेस्टिव और डिस्क्रिप्टिव में फर्क क्या है, यहां पर यह आपको गेस करने के लिए छोड़ रहा है कि आप दिमाग लगाओ कि मेरे यहां पे क्या क्या होता होगा, ये 100% बताएगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको एक हिंट देगा। जैसे कि भाई नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स सजेस्ट कर रहा है काम, नेट है फ्लिक्स है, इंटरनेट पे जाना है, कोई ना कोई चीज है जो आप देख सकते हैं। अब नेटफ्लिक्स ने खुद का नया नाम लॉन्च किया है नेटफ्लिक्स एंड चिल, सजेस्ट कर रहा है आप नेटफ्लिक्स पे जा सकते हो, आप चिल कर सकते हो। भाई चिल करने के तो बहुत तरीके हैं, मैं घर पे कोल्ड ड्रिंक पी के आराम से सोफा पे लेट रहता हूं मुझे चिल करना है, बारिश हो रही मैं रस्ते पे दौड़ने लग जाता हूं मुझे चिल करना है, भाई मैं टीवी देख रहा हूं मुझे चिल करना है। बट नेटफ्लिक्स एंड चिल, क्या सीधी बात हो रही है कि आप इंटरनेट पे जाके चिल कर सकते हो हमारी जगह पे? मतलब डेफिनेटली है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे मूवीज भी हो सकती है, वेब सीरीज भी हो सकती है, या कोई और भी आर्टिकुलेशन या फिर कोई भी और प्रेजेंटेशन हो सकते हैं आपको दिखाने के लिए। सो नेटफ्लिक्स इज अ वर्ड विच इज सजेस्टिंग अ वर्क, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, जबकि ऊपर आप देखो फेयर एंड हैंडसम काम डिस्क्राइब कर गया। आ जाइए बेटा अब बढ़ते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे जो कहता है आर्बिट्री। ये बेस्ट है भाई, आर्बिट्री का मतलब क्या है, आर्बिट्री को अगर मैं नॉर्मली भी बताऊं तो आर्बिट्री का मतलब है मनमर्जी। अच्छा ये आपका चौथा है और ये सेकेंड लास्ट तरीका है। बेटा जब आप बात करते हो आर्बिट्री ट्रेडमार्क की, आर्बिट्री ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है समझना है यार, इसका डिक्शनरी मतलब होगा, बिल्कुल होगा इसका डिक्शनरी मतलब होगा, पर इस ब्रांड से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि ब्लैकबेरी, एप्पल,
साथ में हो क्या? एप्पल का मतलब क्या होता है? खाने की चीज थी अभी तक तो, पर आज क्या एप्पल के मोबाइल फोन भी आते हैं? अब भाई एप्पल मोबाइल फोन का और एप्पल का कोई रिश्ता नहीं है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि एप्पल ने अपना नाम क्या कर दिया? आर्बिट्रली रख दिया. डिक्शनरी मीनिंग है पर कोई फायदा नहीं है. ब्लैकबेरी डिक्शनरी मीनिंग है पर कोई फायदा नहीं है. यहां तक सब साथ है? ये होता है बेटा आर्बिट्री, जिसका डिक्शनरी मतलब तो होता है पर आपके ब्रांड से कोई कनेक्शन नहीं होता है. और इसके बाद आप लास्ट तरीके के ट्रेडमार्क की तरफ जाते हो, जिसको आप बुलाते हो इन्वेंटेड, जिसको आप बुलाते हो इन्वेंटेड. अगर आप बात करते हो इन्वेंटेड की, तो मैंने इसे इन्वेंटेड या फिर कॉइंड मतलब जो आपने बनाया. जैसे कि इसका ना डिक्शनरी मतलब है ना इसका ब्रांड से कोई कनेक्शन है, बस रख दिया है नाम. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है भाई एडिडास. क्या मतलब है भाई? एडिडास का डिक्शनरी मतलब ढूंढ लो भाई, मिल जाए तो मुझे भी बता देना. नहीं मिल रहा, एडिडास का कोई मतलब नहीं है. सेकंड, क्या एडिडास से कोई काम सजेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा. तो मतलब क्या हुआ? ना इसका कोई मतलब है ना इसका ब्रांड से कोई कनेक्शन है. इन लोगों ने इसको बस इन्वेंट किया है और रख दिया है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप देखें तो बेटा सबसे वीक होता है जेनेरिक डिस्क्रिप्टिव. कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क माने जाते हैं सजेस्टिव, आर्बिट्री और इन्वेंटेड. और अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलूं तो आर्बिट्री और इन्वेंटेड. भाई इनको कॉपी करना बनता ही नहीं. ब्लैकबेरी एप्पल कैसे कॉपी करोगे यार? सबसे स्ट्रॉन्ग है, पर जबकि सॉल्ट सबसे वीक है. उसको क्या बुलाते हैं अपन? जेनेरिक ट्रेडमार्क. बेटा ये थे आपके टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क. अब आपको देखना है कि आप कहां पे जा रहे हैं. इसी से आई जस्ट पुट लाइक टू एंड दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ नाइस क्लासिफिकेशन. बेटा इंडिया के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है तो आप जाते हो नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर. बट व्हाट इज नाइस क्लासिफिकेशन भाई? इंडिया के अंदर आपको अगर अपने गुड्स को रजिस्टर कराना है ट्रेडमार्क के अंदर, तब भी नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर जाना है. और इंडिया के अंदर अगर आपको अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कराना है, तब भी नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर जाने वाले हो. अब इसने क्या बोला कि नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर 45 क्लासेस हैं भाई. नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर 45 क्लासेस हैं जिसके अंदर आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हो. ऐसा नहीं कि 45 के अंदर ही करवा दोगे, एक क्लास के अंदर आप रजिस्टर कराओगे. अगर बेटा आप कोई गुड्स बनाए हैं, अगर आपका ट्रेडमार्क कोई गुड से रिलेट करता है, अगर आपका ट्रेडमार्क कोई गुड से रिलेट करता है, तो नाइस क्लासिफिकेशन ने बोला क्लासिफिकेशन नंबर 1 से लेके क्लासिफिकेशन नंबर 34 तक की जो क्लासेज है उसमें हमने किसके बारे में बात की है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात की है. और अगर आपने कोई सर्विस बनाई है, अगर आपने कोई सर्विस बनाई है, तो 35 नंबर से लेके 45 नंबर की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ किसकी बात करती है? सर्विसेज की बात करती है. तो नाइस क्लासिफिकेशन के अंदर आप गुड्स के अंदर भी रजिस्टर हो सकते हैं, सर्विस के अंदर भी रजिस्टर हो सकते हैं. अगर आपने कोई गुड बनाया है जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब हमने बोला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? आपने कोई गुड बनाया है भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप सीधा गुड सेक्शन में जाइए 1 to 34 क्लासेस के अंदर, देखिए कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरीके का काम करता है, जाके उस वाले अंदर प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाइए. एज सिंपल एज दैट. इसको कहते हैं बेटा नाइस क्लासिफिकेशन. विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग जो आपके एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप लोग अपनी स्लाइड्स में देखेंगे बेटा, ट्रेडमार्क्स को मैंने डिस्टिंग्विश करके दिया है, जेनेरिक डिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव आर्बिट्री एंड कॉइंड, इन सब के ऊपर अपना डिस्कशन हो गया. उसी के बाद बेटा मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है वो ही एग्जांपल्स हैं. जेनेरिक में सॉल्ट का, डिस्क्रिप्टिव में फेयर एंड लवली का, सजेस्टिव मार्क्स में नेटफ्लिक्स है, एंड आर्बिट्री के अंदर मैंने ब्लैकबेरी और एप्पल का एग्जांपल दिया था. व्हाइल गोइंग अबाउट इन्वेंटेड कॉइंस हमने बोला था या फिर कॉइन मार्क्स एडिडास, वही चीज है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई. तो जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इन स्लाइड्स को एक बार रेफर कर लीजिएगा. उसके बाद बेटा जो मैंने आपको नाइस क्लासिफिकेशन बताया उसके लिए भी मैंने आपके लिए स्लाइड्स बना दी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 1 to 34 गुड्स के लिए है, 35 to 45 सर्विसेज के लिए है. और नाइस क्लासिफिकेशन इंडिया के अंदर फॉलो होता है क्या? यस. कोई भी तरीके का ट्रेडमार्क अगर आप लोगों ने बनाना है, रजिस्टर करवाना है, आपको जाना पड़ेगा नाइस क्लासिफिकेशन के थ्रू. आई होप यहां तक का वीडियो एकदम क्लियर है. विद दिस आई साइन आउट फॉर दिस वीडियो. आई होप यहां तक का सारा वीडियो आपके साथ अच्छा था. जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीक वापस से, आपके लिए बहुत सारे नए वीडियोस बनाने और डिस्कशंस करने. मीनवाइल अगर आपको कोई भी और कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करना है तो वीडियो लिंक के अंदर हम लोगों ने नंबर भी शेयर किया है. यू कैन ड्रॉप इन अस अ टेक्स्ट कि आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर लॉस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में. अगर कोई भी डाउट आता है यू जस्ट पुट इन अस अ मैसेज. नेक्स्ट वीक में हम लोग जब भी लाइव आएंगे या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस जब अपलोड करेंगे तब आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा.
चलिए, टिल दैट थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो.